ओके जी, सो हम सिलसिला अपना आगे बढ़ाते हैं और अब हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ एक्चुअली अबाउट द नेक्स्ट आस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो उस टैक्स की कैलकुलेशन में जाहिर सी बात है जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो किसी किसी की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है ना। सो जो टैक्स लाइबिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं वो टैक्स लाइबिलिटी हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्सन। जब भी हम टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो टैक्स की लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्सन। अब जब हम ये टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं फॉर अ पर्सन, तो एक पर्सन क्या होता है उसको ज़रा थोड़ा समझते हैं। तो टैक्स के हिसाब से जो पर्सन होता है वो तीन तरह के लोगों को कहा जाता है। टैक्स के हिसाब से जो पर्सन होता है वो हर वो बंदा जिसके लिए लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी, हर वो बिजनेस जिसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी, दैट्स अ पर्सन। तो हु इज एक्चुअली अ पर्सन फॉर द पर्पजेज ऑफ टैक्स? एक इंडिविजुअल, उसके साथ साथ जो है एक कंपनी, और तीसरी चीज जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम कहते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको हम कहते हैं AOP। ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है ना, इसमें इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल पार्टनरशिप है, इसकी एग्जाम्पल ज्वाइंट वेंचर। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है उसकी एग्जाम्पल पार्टनरशिप है, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की एग्जाम्पल ज्वाइंट वेंचर। तो अब देखें, टैक्स पर्पसेस के लिए हम जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो पर्सन के लिए कैलकुलेट करते हैं। और पर्सन क्या होता है? पर्सन कुड बी एन इंडिविजुअल, अ पर्सन कुड बी अ कंपनी, अ पर्सन कुड बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कि जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल तो मतलब ये कि एक सिंगल पर्सन, एक आम आदमी, दैट इज एन इंडिविजुअल। तो यानी कि टैक्स के हिसाब से जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम, वो टैक्स कैलकुलेट करते हैं एक तो इंडिविजुअल्स के लिए। नंबर टू पॉइंट क्या होता है? कंपनी। कंपनी क्या होती है? तो कंपनी की बाकायदा तौर पर डेफिनेशन है, बट वी डू हैव एन आइडिया कि भाई जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी हो या कोई पुराने ऑर्डिनेंस के तहत बनी हो, सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी। और तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आई रिपीट, जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मैंने आपको कहा पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, ज्वाइंट वेंचर हो गया, तमाम के तमाम पर्सन में आते हैं। तो जो पर्सन का वर्ड यूज किया जाएगा तो पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन मीन एक आदमी, नहीं। पर्सन कुड बी एन इंडिविजुअल, कुड बी एन AOP, कुड बी अ ज्वाइंट वेंचर, तमाम के तमाम लोग पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। आई रिपीट, तमाम के तमाम लोग पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर सकते हैं। अगली बात, सो हम करेंगे कुछ तरह से कि हम बगैर तौर पे देखेंगे कि जी पर्सन की डेफिनेशन क्या है। तो आपको पर्सन के डेफिनेशन के बारे में क्या कहता है? पर्सन शैल बी एन इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल बंदा क्या है? इज अ पर्सन। अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। तो यानी एक कंपनी जो पाकिस्तान में बनी, एक AOP जो पाकिस्तान में बना, पाकिस्तान से बाहर बना, तो दैट इज ऑल गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन। द फेडरल गवर्नमेंट और अ फॉरेन गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑल पर्सन। यानी कि क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पर्सन है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि US गवर्नमेंट एक पर्सन है। मतलब क्या हुआ? कि पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि कोई जो है
कोई बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट है, उस फॉरेन गवर्नमेंट का कोई वर्किंग आर्म है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं नेटो की एग्जांपल दूँ, खैर वो पॉलिटिकल सब डिविजन तो नहीं है, ये हो गया, या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब IMF हो गया, मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, मतलब जो है वो USAID का प्रोग्राम हो गया, ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, दे आर गोना बी कंसिडर्ड एज पर्सन। तो जब भी हम बात करते हैं पर्सन की, तो पर्सन किसको कहते हैं, इंडिविजुअल, AOP कंपनी, ये तमाम पर्सन है। इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पर्सन, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। मजीद अगर हम कुछ थोड़ी सी बात करें तो कहता है डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंक्लूड सो एंड सो सो एंड सो। अब AOP की एक डेफिनेशन है कि AOP किसको कहते हैं, आई रिपीट, AOP की डेफिनेशन है कि AOP किसको कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना अबाउट द AOP के, जी AOP किसको कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसको कहते हैं, तो AOP को ज़रा समझना, AOP किसको कहा जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की एक बगैर तौर पर डेफिनेशन है जिसमें कहता है इंक्लूड्स अ फर्म, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अगर एक बिजनेस बना लें तो दे आर टर्म्ड एज इन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अगर एक साथ कंबाइंड हो जाएं सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ फर्म। तो क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, नंबर वन। नंबर टू, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको HUF कह लें। देखें मैं आपको बताता हूँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अब तो ना होने के बराबर है, बट इट यूज टू बी अ कॉन्सेप्ट इन द अर्ली डेज। वो क्या कॉन्सेप्ट होता था अर्ली डेज के अंदर, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो सिंपली मतलब है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सिंपली मतलब कुछ तरीके से कि बेसिकली अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वुड एक्चुअली मीन दैट एक फैमिली जिसने आपको अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, घर खानदान बहुत सारे लोग मिल मिला के उन्हें रजिस्टर कराया कि भाई वी आर वन सिंगल पर्सन, यानी खानदानी बिजनेस है, जद्दी पुश्ती हम साथ हैं, उठना बैठना सोना मरना जीना सब कुछ हमारा साथ है। तो ये ऐसे तरह के जो लोग होते हैं दे यूज टू बी कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कॉन्सेप्ट एक होता था, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक पर्सन AOP कहलाता था। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि अगर आपने सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी जो कि एक JV है, तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, या एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो कंपनी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी, बाकी इसके अलावा जो भी दो तीन चार पाँच छः लोगों को मिल मिला के चीज़ है वो AOP कहलाएगा। अगली बात यह है कि आप कंपनी की डेफिनेशन भी ज़रा पढ़नी है, और ये आपने याद भी करनी है क्योंकि ये डेफिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो अब हमने बात करना है कि जी व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंपनी। तो अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की डेफिनेशन समझना, देखें कंपनी सिर्फ वो नहीं है, कंपनी सिर्फ वो नहीं है जो मुझे आपको बताया कि कंपनी एक्ट के तहत बनी, इनकम टैक्स लॉज के तहत कंपनी वो है जो इनकम टैक्स लॉ बता रहा है। अ कंपनी इज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 17, यानी कि जिसको एक्चुअल कंपनीज एक्ट में कंपनी कहते हैं वो तो कंपनी है, प्लस अ स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, ये सेक्शन 2 क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक कानून है, उसका जो सेक्शन 2 है ना वो डेफिनेशन का सेक्शन है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन का सेक्शन है, तो ये कानून है। तो आपका जो सेक्शन 2 है ना, वो सेक्शन 2 क्या है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें सारी दुनिया जहाँ की डेफिनेशंस लिखी हुई है। आई रिपीट, जो सेक्शन 2 है उसमें सारी दुनिया जहाँ की डेफिनेशंस लिखी हुई। तो अ स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मजीद, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्मड बाय और अंडर एनी लॉ एनफोर्स इन पाकिस्तान। देखिए एक जमाने में जब पुराने लॉ होते थे तो उसमें बेसिकली जो कंपनीज बनती थी उनको बॉडी कॉर्पोरेट कहते थे, बॉडी कॉर्पोरेट कहते थे। तो बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, कंपनी एक्ट के तहत बनी, स्मॉल कंपनी, ये सब कंपनी की डेफिनेशन में आती। मुदारवा एक इस्लामिक प्रिंसिपल होता है, मुदारवा
तो मुदारबा ऑर्डिनेंस है, उस मुदारबा ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई कंपनी बनी है सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी. को मुदारबा ऑर्डिनेंस के तहत अगर मुदारबा रजिस्टर होता है सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी. अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. यानी कि आप US में बना ली, UK में बना ली, इंडिया में बना ली, ऐसे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लॉज होते हैं जिन लॉज के तहत आप क्या कर सकते हो, जिन लॉज के तहत आप कंपनीज बना सकते हो. तो अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री के लॉ के तहत कंपनी बनाई है सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी. अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच द बोर्ड. बोर्ड का मतलब क्या होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. हैज़ गिवन जनरल और स्पेशल परमिशन टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. यानी कि क्या हो गया कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर UAE में, कतर में, सऊदीया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में कोई एक AOP है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, उस पार्टनरशिप बिजनेस को ये इजाज़त मिली है उस मुल्क की गवर्नमेंट के साथ कि भाई आप इसको एज अ कंपनी बना लो. तो अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट के साथ उस पार्टनरशिप बिजनेस को इजाज़त मिली है कि आप कंपनी बना लो, कि आप पाकिस्तान में एज अ कंपनी ट्रीट किए जाओगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए, तो वो भी कंपनी कहलाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लोकल गवर्नमेंट LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDGK, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, एनी अदर सोसाइटी. ये मसाजिद जो होती है ना, मसाजिद का आजकल ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं हो रहा. तो ये मसाजिद सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर हो रही. आई रिपीट, मसाजिद का आजकल ट्रस्ट रजिस्टर नहीं हो रहा, ट्रस्ट एक एक्ट होता है एक. तो ये मसाजिद ट्रस्ट है, सोसाइटीज हैं. तो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी का मतलब सिंपली यही होता है कि सोसाइटी को फलाह बहबूद के लिए जो बनाई जाती है. अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब SIUT है, आपका शौकत खानम है, आपका AD है, ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. IBD, ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अ ट्रस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या हो गई, ये कंपनी के डेफिनेशन में आ गई. सो मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ अ कंपनी. अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, या वो जिसको कंपनी एक्ट डिफाइन करता है. फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है वो भी कंपनी है, मुदारबे भी कंपनी है, किसी फॉरेन कंट्री की AOP है वो पाकिस्तान में उसको कंपनी का दर्जा है वो भी कंपनी है, ऐसे बेशुमार तरह की कंपनीज हैं. सो दैट इज ऑल गोना बी कंसिडर्ड एज कंपनी. तो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं पर्सन्स की, तो पर्सन्स की डेफिनेशन में अब आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट हो, चाहे जो है वो बेसिकली सॉरी कंपनी की उसमें आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सही है ना. आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक पर्सन नॉर्मल है, आपका आपका फॉरेन गवर्नमेंट एक पर्सन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती. याद रख क्लियर. जी भाई यहाँ तक ले रहे हैं. अच्छा भाई, अब हम कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कंपनी. एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो पब्लिक कंपनी की, एक ग्रीन टी दे देना. एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन किसकी है, वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है. किसकी डेफिनेशन है,
पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। सो लेट्स टॉक दैट व्हाट अ पब्लिक कंपनी इज। क्योंकि देखें हम जब लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ पढ़ते हुए हम ये कहते हैं कि जी कंपनी दो तरह की, एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी एज पर द लॉ क्या होती है, जिसके शेयर्स अवाम में नहीं जा सकते, और पब्लिक कंपनी क्या है, वो एज पर लॉ एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। लेकिन ये पब्लिक कंपनी टैक्स के लॉज के तहत क्या है, आई रिपीट, इनकम टैक्स के रूल्स के तहत पब्लिक कंपनी क्या है, उसकी ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। तो जब हम इनकम टैक्स के रूल्स के तहत पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स के रूल्स के तहत एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है उसकी, इसमें से कोई भी चीज़ मैच कर जाए सो इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। अगर कोई भी चीज़ मैच कर जाए सो इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। मतलब अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब सिंपल है, मतलब सिंपल ये कि 50% या उससे ज़्यादा, 50% या उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। लॉ यू लिखते हैं ना नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब क्या है, यानी इक्वल टू 50% या मोर देन 50%। तो कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखें ये बात सुने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बेशुमार तरह की कंपनीज हैं, जैसे कि PTCL देख लें, PTCL में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, वो अलग बात है कि उसको एहतसलात चला रहा है। तो PTCL इज अ पब्लिक कंपनी फॉर टैक्स लॉज, फॉर टैक्स लॉज, नॉट फॉर दी पर्पजेज ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की अलग डेफिनेशन है, टैक्स लॉज के तहत वो पब्लिक कंपनी है। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक कंपनी है, उसका नाम है गवर्नमेंट होल्डिंग्स। वो गवर्नमेंट होल्डिंग्स क्या करती है, वो गवर्नमेंट होल्डिंग्स भी बहुत सारी कंपनीज को ओन करती है। सो गवर्नमेंट होल्डिंग्स जो है ना, उसके पास जो उसने बहुत सारी कंपनीज को ओन किया हुआ है, सो दैट इज हर वो कंपनी जिसको गवर्नमेंट होल्डिंग्स ओन करती है वही पब्लिक कंपनी। अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, या फिर ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, या फिर किसी फॉरेन कंपनी के पास है जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ओन करती। अगली बात, अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि आप देखिए बात सुने, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्टेड कंपनी है जी, अगर कोई US के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है ना, तो वो पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी। एक लिस्टेड कंपनी अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी टैक्स लॉज के तहत। आपने कहा जी सिंगापुर एक्सचेंज पे, जी मलेशिया के एक्सचेंज पे, अबे भाई इन एक्सचेंज पे अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो पब्लिक कंपनी नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत पब्लिक कंपनी कौन है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, और वो भी ऐसा है कि भाई साल के शुरू में लिस्टेड थी, बीच में डीलिस्ट हो गई, तो वो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। साल के एंड में भी लिस्टेड होनी चाहिए। अगली बात, अ यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड एनी अदर ट्रस्ट एज डिफाइंड इन द ट्रस्ट एक्ट कैर। यूनिट ट्रस्ट का थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि यूनिट ट्रस्ट किसको कहते हैं। तो यूनिट ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि इसकी छोटी सी मिसाल समझना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फंड बनाया, एक NIT नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना हुआ, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया हुआ। ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्चुअली है क्या, इसको जरा समझना। ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसा है कि गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक सॉर्ट ऑफ एंटिटी क्रिएट करी है। इस एंटिटी के अंदर क्या है, मिसाल है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इस एंटिटी के अंदर दस लाख यूनिट्स है। यूनिट क्या होता है, जस्ट लाइक अ शेयर, बट मैं आपको समझाता हूँ। अज्यूम करें गवर्नमेंट कह रही है कि जी इसमें 10 लाख यूनिट्स हैं और इनिशियली गवर्नमेंट ने इसका सिंगल यूनिट लेट से 100 रुपए का रखा। तो अगर भाई 10 लाख हैं मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए रखा, 1000 लाख हो गए। इसका मतलब ये है कि 10 अरब रुपए का एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। आप गए, आपने कहा जी मुझे 100 यूनिट लेने, आप गए जी मेरे पास 10 यूनिट दे दो, जी 20 यूनिट दे दो, जी 50 यूनिट दे दो। अब गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए जमा कर लिए। कहाँ से जमा कर लिए, इन यूनिट्स से। आई रिपीट, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए जमा कर लिए इन यूनिट्स से। अब अगर गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए जमा कर लिए इन यूनिट से, अब क्या करना है, अब जरा समझने वाली बात है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगी। कहाँ पे, बैंक्स में, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, प्रॉपर्टी खरीदेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जगह जगह पे इन्वेस्ट करेगी। और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखे, तो कर रखे हैं तो होता ये है कि वक्त के साथ साथ इसकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है, वक्त के साथ साथ इन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है। तो जब वक्त के साथ साथ इन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ने इधर उधर 10 अरब रुपए लगाए थे, वो 10 अरब रुपए आज शायद 15 अरब रुपए हो गए हों। तो अगर आप 15 अरब रुपए को 10 लाख के यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो आपको एक यूनिट की प्राइस 150 रुपए मिलेगी। तो यूनिट ट्रस्ट क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट ये होता है कि आप एक बेसिकली फंड क्रिएट करते हो, उस फंड में पैसा डालते हो और उस पैसे को इधर उधर लगाते हो। लगाने के बाद वो पैसा मल्टीप्लायर इफेक्ट लेता है, लेता है, लेता है, लेता है, लेता है, अल्टीमेटली जना एक सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट कर देता। सही है। तो क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि भाई देखो बात सुनो, वो ये है कि तुम्हारे पास अगर तो कोई ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट जिसके यूनिट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, वो भी एक कंपनी की डेफिनेशन में आएगा। कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। अच्छा भाई, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी। क्या होती है प्राइवेट कंपनी, एनी कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो हर वो कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी है, हर वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी। अच्छा भाई, ये दो डेफिनेशंस और हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की और स्मॉल कंपनी की। इस डेफिनेशन के ऊपर हम आते हैं, बट बिफोर वी कम ऑन टू दिस डेफिनेशन, ये आपके पास कुछ एक्सरसाइज है, इसको अगर आप देख लें तो हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। आप 2 मिनट इसको देख लें जी, आप ये दोनों पॉइंट देखें, 1 और 2, आप बताएं ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है। जी भाई, आप बताएं ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है।
अच्छा जी चलें अब आए। कहते हैं PPL इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। 59% ऑफ द शेयर्स 59% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय BBC लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम होल्ड्स 97% शेयर्स इन BBC लिमिटेड। अब देखें हमें बात करनी है PPL की। PPL जो कंपनी है उसके 59% शेयर्स किसके पास हैं भाई? BBC लिमिटेड। और जो BBC लिमिटेड है उस BBC लिमिटेड के 97% शेयर्स किसके पास हैं? UK गवर्नमेंट के पास। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अगर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आएंगे तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन आप ज़रा देखिए कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या कहता है। कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, क्या फॉल करता है यहाँ पर? हाँ भाई बताएं क्या इस बेसिस पे ये पब्लिक कंपनी होती है? जी करता है फॉल। अच्छा भाई अगली बात, XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 17 whose shares were traded on Pakistan Stock Exchange on 1st August 21 till 29 June 22 on which date the company was delisted। ये नहीं होगी क्योंकि साल के आखिरी दिन भी इसको लिस्टेड होना चाहिए, साल के आखिरी दिन भी इसको लिस्टेड होना चाहिए था। इट्स नॉट अ पब्लिक कंपनी। द गवर्नमेंट ऑफ NWFP holds 50% of the shares in ABC Limited, a public company under company that ABC is not listed on any stock exchange। तो आप जाएं दोबारा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखें। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ये है कि कंपनी इन विच 50% और मोर शेयर आर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये भी पब्लिक कंपनी है। अगली बात कहते हैं BRR इज अ पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छा जी कंपनी एक्ट में पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं है कि टैक्स ऑर्डिनेंस में भी वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी। आई रिपीट, कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि वो टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। 41% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, 50% बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड 9% बाय द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप कंपनीज। BRR इज नॉट लिस्टेड, ये भी पब्लिक कंपनी। क्यों? क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के पास 50% होल्डिंग है, तो 50% या उससे ज़्यादा होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो तो खत्म है, चैप्टर क्लोज है। पार्ट बी कहते हैं एंडरसन इनकॉर्पोरेशन अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। UK में कंपनी बनी है रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, हैज बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर 50 years। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हियर वॉज सिचुएटेड होली आउटसाइड पाकिस्तान। ब्रीफली स्टेट विद रीजन वेदर एंडरसन विल बी असेस्ड एज अ कंपनी फॉर द पर्पजेज ऑफ पाकिस्तान टैक्स इन अ रेलेवेंट टैक्स ईयर। जी बताएं क्या ये एंडरसन कंपनी है? क्या एंडरसन टैक्स पर्पजेज के लिए कंपनी है?
हाँ भाई, क्या एंडरसन टैक्स पर्पसेस के लिए कंपनी है? जी भाई, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। क्या एंडरसन कंपनी है? अच्छा देखें, एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक कंपनी, एक है कंपनी। अब कंपनी की डेफिनेशन पे आओ, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। कंपनी की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? ये वाला पॉइंट पढ़ो। भाई इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड पाकिस्तान, रिलेटिंग टू द लॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को बनाने का जो लॉ है उसके तहत बनी हुई है ये कंपनी। कंपनी को बनाने का जो लॉ है उसके तहत बनी हुई है ना यार। तो अगर आप देखोगे तो ये तो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी ना। देखो बेटा, सवाल ये नहीं है कि क्या टैक्स लॉस के तहत ये पब्लिक कंपनी है। सवाल ये नहीं है कि ये पब्लिक कंपनी है, सवाल ये है कि क्या ये कंपनी है। द आंसर इज यस, ये कंपनी है। आंसर इज यस, ये कंपनी है। सही है। चलें अब अगली बात करते हैं, अगली डिस्कशन करते हैं। तो ये तो हो गया, अब कुछ एक दो डेफिनेशंस और थी, उसको ज़रा देख लेते हैं। एक पॉइंट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? तो आप ऊपर देखें तो कंपनी की डेफिनेशन थी ना, उस कंपनी की डेफिनेशन भी ये था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम के तहत तो मैंने आपको बता दिया था कि जी ये जो SIUT हो गया, शौकत खानम हो गया, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर टैक्स लॉज होते क्या हैं? कहता है मीन्स एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। इसका मतलब कोई एक आम आदमी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता फॉर टैक्स लॉस। विच इज़ एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस, यानी मस्जिद, एजुकेशनल मीन्स के स्कूल, मदरसा, चैरिटेबल मतलब एम्बुलेंसेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वेलफेयर पर्पजेज बहुत सारे मकासद के लिए, जैसे ये एक फिक्स्ड चलता है पाकिस्तान में, तो ये सारे लोग क्या हो गए? ये सारे लोग अल्टीमेटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर जनरल पब्लिक और डेवलपमेंट पर्पजेज और फॉर द प्रमोशन ऑफ एन अमेच्योर स्पोर्ट। अब देखें बहुत सारे जो है ना वो स्पोर्ट्स के क्लब्स होते हैं कि भाई क्रिकेट का क्लब हो गया, फुटबॉल का क्लब हो गया, हॉकी का क्लब हो गया, तो वो उनका जो मकसद होता है वो उनका मकसद मेजरली ये होता है कि फुटबॉल को प्रमोट करना, हॉकी को प्रमोट करना, क्रिकेट को प्रमोट करना, इन चीज़ों को प्रमोट करना मकसद होता है। सही है ना? तो अगर इन चीज़ों को प्रमोट करना मकसद होता है तो ये सारे जो इस तरह के इदारे रजिस्टर्ड होते हैं ना, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट है। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें हमारे मुल्क में तीन चार लॉज हैं। एक तो कंपनीज एक्ट है, उसके तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो जाती है। उसके अलावा सोसाइटीज एक्ट है, उसके थ्रू रजिस्टर हो जाती है। अच्छा जी, ट्रस्ट एक्ट है, उसके थ्रू रजिस्टर हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं अबाउट द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती है। तो एक क्या है, एस्टेब्लिश की गई हो, फॉर्म्ड हो और अप्रूव्ड बाय कमिश्नर फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस पीरियड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन रिक्वायरेशन सच अदर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन रिक्वायर्ड बाय द कमिश्नर। नन ऑफ द एसेट्स ऑफ सच पर्सन आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट बेनिफिट टू एनी अदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि जी आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, उसमें से सारे मुलाजमीन आप ही हो।
दुनिया से ज़कात खैरात सदके पकड़ते हो और खुद के घर वालों को मुलाजमीन दिखाया हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल वगैरह पर्पजेज़ के लिए हो, किसी भी कंपनी के लॉ के तहत बनी हुई हो, और तीसरी चीज़ ये कि कमिश्नर से अप्रूव हो। कमिश्नर कौन होता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अलग अलग अथॉरिटी के लोग होते हैं, तो उसमें एक कमिश्नर लेवल होता है। अगली डेफिनेशन जो कि आखिरी डेफिनेशन है यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड, वो डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी क्या होती है उसको ज़रा समझते हैं। स्मॉल कंपनी का मतलब ये होता है कि अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005। तो एक ऐसी कंपनी जो जुलाई 2005 के बाद रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनीज एक्ट 17, विच ये सारी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। एक ऐसी कंपनी जो कि जुलाई 2005 के बाद रजिस्टर हुई हो और ये सारी कंडीशन फुलफिल करती हो, मतलब उसका पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, यानी कि आसान अल्फाज में मैं ये कह दूं कि टोटल इक्विटी 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। पचास मिलियन का मतलब क्या होता है? 500 लाख। तो 50 मिलियन से ज़्यादा उसका कैपिटल नहीं होना चाहिए इक्विटी। जी भाई बोलें बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा भाई बात सुनना, हैज एम्प्लॉयज नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम, तो मैक्सिमम 250 एम्प्लॉय होने चाहिए, 50 मिलियन की इक्विटी होनी चाहिए। एज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन रुपीज, 250 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर नहीं हो। इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड इज नॉट अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। 5 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। क्या 5 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है? नंबर 1, उसकी टोटल इक्विटी 50 मिलियन हो, मैक्सिमम 250 एम्प्लॉयज़ हों, उसके साथ साथ जो है वो 250 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, वो किसी बड़ी कंपनी के 2 टुकड़ों के तहत नहीं बनी हो और वो एज अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रजिस्टर्ड ना हो। ये तमाम कंडीशन फुलफिल होंगी तो आप कहेंगे कि भाई ये कंपनी है कि स्मॉल कंपनी। अच्छा अब नाउ, ये जो सारी की सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, ये डेफिनेशन इस वक्त क्यों इम्पोर्टेंट है? ये डेफिनेशन इस वक्त इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, आई रिपीट, ये डेफिनेशन इस वक्त इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन डेफिनेशंस के तहत जो है वो आपको एक चीज़ पता लगेगी, ये डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन डेफिनेशंस को आगे जाके एप्लीकेशन में आपको इस्तेमाल होगी। अब जैसे अभी हमने बात करी कुछ मुख्तलिफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी एक्सेट्रा, इनको देख लिया, तो टैक्स पर्पजेज के लिए पर्सन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किस के लिए टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। पर्सन, हु इज अ पर्सन? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये सब पर्सन।